अनंत पाल एनकाउंटर मामले में सरकार ने राजपूतों के सामने घुटने टेक दिए और राजपूत समाज की सभी मांगे मान ली गई और इस बात का ऐलान भी कर दिया गया। राजपूत नेताओं ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। लेकिन इस दौरान कई सवाल हैं जो कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर शक पैदा करते हैं। पहला सवाल, कहीं ये आश्वासन फिलहाल आंदोलन खत्म करने के लिए तो नहीं, क्योंकि 21, 22 और 23 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जयपुर दौरा है। ऐसे में सरकार के सामने इस आंदोलन को कुचलना बड़ी चुनौती थी। आखिर सरकार ने ऐसा क्या दाव खेला कि आंदोलन भी खत्म हो गया और सीबीआई जांच की मांग केंद्र के पाले में डाल दी। अब जरा गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के इस बयान को ही सुन लीजिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर उनका क्या कहना है? 24 तारीख वाली की जो एनकाउंटर की घटना है, दोनों को सीबीआई क्लियर करे, सीबीआई क्लियर करे और बाकी सीबीआई के ऊपर है कि वो केस को किस ढंग से आगे ले जाए, सीबीआई को हमारे यहाँ से एक तरह से पत्र जाएगा, बाकी आगे का निर्णय उनको करना, क्योंकि जिस प्रकार की घटना 12 तारीख को घटित हुई है, जो आपने हमने सारे प्रदेश में भी देखा है, इन दोनों को जोड़ करके फिर क्या है कि आनंद पाल का जहाँ से एनकाउंटर का जहाँ से शुरुआत हुई है, मैं सोचता हूँ सीबीआई के विवेक पर है कि वो किस प्रकार की कौन सी जाँच करे, इस बार गुलाबचंद कटारिया का एक ही जवाब था। उनका कहना था कि वो केंद्र को सीबीआई जांच के लिए पत्र तो लिख देंगे, सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे, लेकिन जांच करना और ना करना सीबीआई के ऊपर है। ऐसे में सवाल है कि कहीं राजपूतों के साथ धोखा तो नहीं हुआ। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जो पूरे माहौल पर शक पैदा करता है। हालांकि न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में बीजेपी के मंत्री और एमएलए को राजपूत समाज के नेताओं का मजाक उड़ाते देखा जा सकता है, जिसमें कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हैं। ये वीडियो एमएलए की लंच पार्टी के दौरान शूट किया गया है। पहले जरा इस वीडियो को देखिए और ग्राफिक्स के जरिए जानिए कि कौन क्या कह रहा है। मैं आपको जो बता रहा था ना, ये जो पिछली टॉक्स पर गए, आप लोगों से कन्विंस होकर टॉक पर गए, वो वहां से पलटे हैं उस टॉक, इसलिए विश्वास कैसे हो जाए कि ये दोबारा इस बात की को कर लेंगे। पिछली बार जो ये गए, ये 12 तारीख के पहले जो मीटिंग हुई, आपसे कंफर्म करके गए कि हम ये चीज करेंगे, आपने कहा भाई हम इस चीज का करेंगे, वहां जाकर वहां पलट गए। आज तो फिर भी सेंसिबल लोग बात थे, 5-4 इनके उड़दंगी है इसकी मीटिंग के अंदर, वो किसी तरीके से कोई निर्णय पर ही नहीं पहुंचने देते। सीबीआई की लास्ट सुन ली एक बात में, सीबीआई पे अटकी थी उसको, दूसरे सब बात मान ली थी जो पहले, पर आज भी सीबीआई की बात नहीं मानते, आज भी बात पूछती है सीबीआई पे। गवर्नमेंट का अरेस्ट तो ये जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो का वायरल होना अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर क्यों और किसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया? वीडियो में रिकॉर्ड हुई बातचीत के आखिर मायने क्या हैं? 12 तारीख को कालवी और लोटवाड़ा की मीटिंग के बारे में बातचीत हो रही है, तो क्या कालवी और लोटवाड़ा की छवि खराब करने की साजिश है, या कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि राजपूत आंदोलन की आग ठंडी हो? क्या कोई सरकार और राजपूत नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर इस वीडियो के वायरल होने से फायदा किसको है? या ये पूरा वीडियो फर्जी है और किसी की बड़ी साजिश है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो के वायरल होने के बाद पैदा हो रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे बनाने वाले की क्या मंशा थी। क्या एक बार फिर राजपूत और सरकार को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज इंडिया के पास ये वीडियो आया तो इन सवालों को जानने की कोशिश की गई। आखिर इन तमाम सवालों पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।